यह कहानी है हाथी और उसके दोस्तों की। एक अकेला हाथी एक अजीब से जंगल में बसने के लिए आया और वह यहाँ वहाँ दोस्त बनाने के लिए देखता रहा। और वह सबसे पहले एक बंदर से मिला और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना पसंद करेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम बड़े बहुत हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ। और फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊँचा कूद नहीं सकते हो और तुम्हारा शरीर भी भारी है, इस कारण मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ। अब हाथी वास्तव में बहुत उदास था, क्योंकि वह बहुत कोशिश के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है और वो खुद उसे बचाने के लिए भाग रहे। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और उसने शेर से कहा, कृपया करके इनको चोट ना पहुँचाओ, कृपया इन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। और बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर को हारता हुआ देखकर आनंदित होने लगे। वह हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार उनके मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता।